एंट्री ले चुका हूँ मैं अंदर, और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप कोई खाना लाते हो बाहर से तो प्लीज़ उसको जो है वो लाइए ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर का खाना अलाउड नहीं है। हेलो गाइस, आज की जर्नी जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, सो स्टे ट्यून विथ मी। तो ये है सेंट्रल रेल। सो हे गाइस, फाइनली आई एम बैक विद माय अदर वीडियो, एंड इसमें मैं आपको मेरी जर्नी दिखाऊंगा कैसे मैं थाने से जा रहा हूँ डेक्कन एक्सप्रेस में, कहीं तो कहाँ जा रहा हूँ, स्टे ट्यून्ड। ये ट्रेन जो है वो हमारी नहीं है, बट स्टे लाइक दिस ट्रेन। सो फाइनली आई एम एट माय डेक्कन एक्सप्रेस। यहाँ का अंदर का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, आई मीन सुपर इंटीरियर बहुत सही है। सो फाइनली मैं ट्रेन के अंदर हूँ, एंड यहाँ से कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, आई होप यू गाइस लाइक इट। ये जो है वो एग्जैक्ट डब्बा है, ऐसे हम चढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही डब्बा दिखता है। ये जो है वो विंडो है यहाँ की, काफ़ी बड़ी विंडो है, एंड मुझे ये विंडो बहुत पसंद है। यहाँ का बैक का व्यू है, यहाँ पे एक बड़ी विंडो है बैक साइड में भी। ये जो है वो अपर साइड है, अपर साइड ऑफ ट्रेन, एंड दिस इज़ माय सीट। ये जो है वो एक विंडो सीन है जो मैंने एक फिल्म में देखा था, तो मैंने ये विंडो सीन वहाँ से उठाया है, मुझे ये बहुत पसंद है। दिस इज माय विंडो। सो दिस इज़ द कल्याण जंक्शन, राइट नाउ मैं कल्याण जंक्शन पे हूँ, एंड ये जो है वो बैक साइड से लिया गया है, जो मैंने आपको विंडो दिखाई अभी बैक साइड की, वहीं से ये मैंने शूट किया। आई लाइक दिस विंडो, ये पूरा जो है मैंने विंडो से शूट कर रहा हूँ, एंड आई लाइक दिस नेचर व्यू। मुझे पेड़ पौधे एंड द ग्रीनरी बहुत पसंद है, सो मैंने जितना भी हो सके इसमें मैं ग्रीनरी एंड द नेचुरल व्यूज़ लूँगा। गर्मी में काफ़ी पेड़ जो है वो सूखे हो गए हैं, बट अभी बारिश गिरेगी एक महीने बाद, तो होप सो सब ठीक हो जाएगा। आई लव दिस माउंटेन, द माउंटेन व्यू। सो बेसिकली यहाँ पे पूरा जंगल है, हम जंगल मतलब पूरा फॉरेस्ट है, एंड उसके बाद जो है वो पहाड़। दिस इज़ द स्काई, यू नो आई लव दिस, दिस स्काई बहुत बहुत सही लग रहा है। हमारी ट्रेन जो है वो कुछ समय के लिए विश्रांति पे है, तो अभी इट विल गोना बी अ स्टार्ट। 1 2 3 Now go। I love this scene, जो scene बना अभी, ये जो पहाड़ एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द यू नो द sky एंड द माउंटेन, इट्स लुक सो pretty। ये अंदर लिया गया सीन है, अंदर मतलब टनल में लिया गया सीन था वो। Here is my real natural view। ये पेड़ बहुत सही लग रहे हैं, सब पेड़ बहुत सही लग रहे हैं। कुछ पेड़ जो है वो पूरे के पूरे सूख गए, आप देख सकते हैं, ये गर्मी का पूरा हालत है। सो वी आर एट द खंडाला। सो आई होप आपको मेरे जो सीन्स हैं, मैंने जो सीन दिखाया आपको, आपको अच्छे लगे होंगे। वो थाने से लेके खंडरा तक के सीन थे,
एंड मैं आपको अभी और आगे बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। सो मैं अभी लोनावला पहुँच गया हूँ, लोनावला स्टेशन, एंड मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से। दिस इज़ द एंट्री ऑफ द लोनावला स्टेशन एंड मैं अभी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। ये जो है हमारा प्यारे ऑटो वाले भैया जो है वो हमें सीन दिखा रहे हैं कि लोनावला कितना खूबसूरत है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं लोकेशन पे। मैं रिवील करता हूँ हम लोग कहाँ पे आए हैं। सो वी आर एट मैजिक माउंटेन वेट एंड जॉय, और यू कैन से वेट एंड जॉय। सो फाइनली आई एम एट द लोकेशन एंड वेट एंड जॉय। सो एंट्री करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। मैजिक माउंटेन, सो ये है हमारे सुपरमैन तो नहीं लग रहे बट इट्स लुक कूल। एंट्री ले चुका हूँ मैं अंदर, और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप कोई खाना लाते हो बाहर से तो प्लीज़ उसको जो है वो लाइए ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर का खाना अलाउड नहीं है। सो आई नो कि यहाँ पे बहुत लोग पहले आ चुके हैं एंड ऑलरेडी बहुत लोग बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ, कि मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है प्लस वेट एंड जॉय वाटर पार्क है। सो मुझे पता नहीं है अंदर कितनी राइड्स है क्या है, सो मैं अभी जा रहा हूँ। ये यहाँ का एंट्री गेट है, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। अभी तो एंट्री का टाइमिंग है तो सब लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। बहुत भीड़ है यार यहाँ पे। सो दिस इज़ द लॉकर रूम एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द एग्जैक्टली वेटेड जॉय। बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत सही है। फ्रोजन कैस्टल, यप यप यप। सो दिस इज़ द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए है ये वाला, तो आई मीन छोटा सा पूल है एंड यहाँ पे बहुत सारी राइड्स भी है बच्चों के लिए उसके साथ साथ। वाव, इट्स लुक सो गुड। ये चप्पल रखने के लिए चप्पलदान, और यू कैन से पता नहीं क्या है। वेट एंड जॉय, आई वेंट टू इंडिया लार्जेस्ट, जाने दो यार, इतना इंग्लिश नहीं आता। सो नाउ अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे पूल है फॉर एडल्ट्स। सो लेट्स सी, यहाँ पे वेव्स आ रही है, इट्स फील सो गुड। आसमान से एक व्यू तो बनता है इसका, इट्स एग्जैक्टली द व्यू। हाय, दिस इज समथिंग एल्स। सो ये पीला पेड़ किस चीज़ का है पता नहीं, बट ये बहुत ही सही लग रहा है, और ये ऊपर से मेरे ऊपर पानी भी छिड़का जा रहा है। आई मीन ये जो है वो
सो वाटर पार्क घूम लिया, अब नाउ इट्स टाइम फॉर अम्यूजमेंट पार्क। सो दिस इज़ द एंट्री गेट, और मैं ऐसे भाग भाग के जा रहा हूँ आपके साथ। ये पिरामिड, और क्या है ये, इजिप्ट का लग रहा है। ओ गॉड, मैं इसमें बैठने वाला हूँ एंड मेरी एक्चुअल में फट रही है। ये राइड कुछ ज़्यादा ही डेंजर लग रही है। आई मीन इतनी भी नहीं है बट हो सकती है। मूवी कोई चालू करो यार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। उस राइड के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने व्लॉगिंग स्टॉप कर दी और मुझे घर आना पड़ा। बट कोई नहीं, अम्यूजमेंट पार्क में फिर कभी मैं आपको सारी राइड्स दिखा दूंगा। एंड कुछ राइड्स वाटर पार्क की भी बंद थी, तो वो भी नेक्स्ट टाइम में दिखा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको, आपको पता ही है क्या करना है। एंड हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई जर्नी के साथ। सो बाय, टेक केयर।